पहले तो लोग मुझे ब्लूटूथ वगैरह हेड ये बोलते ना क्या बोलते हैं इसे कान के क्या बोलते हैं ए, एरफोर्ण, एरफोर्ण, हाँ, 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 है ना, ये पहले तो ये गिफ्ट करते थे अब मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मुझे चप्पले भी गिफ्ट करोगे तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है कह रहे पुनित भाई हम ये चाहते हैं कि आप आप सर पे रखो चप्पल इधर नाक से लटकाओ बल्कि मेरे को कई बार कमेंट आ चुके हैं कि पुनीत भाई एक बार ना नाक में छेद कर कर और चप्पल लटकाओ एक बार नीचे लटका के मेरा साले नाक में क्या सुबह घुसा क्या मैं कह रहा पुनीत भाई कुछ भी करो नाक से दिखनी चाहिए लटकती हुई मेला भाई रुक जा उसका कोई जुगाड़ डेढ़ लाख रुपए लो तो करो हाँ उसके मेला कोई जुगाड़ बनाने मेला भाई देख देखा तो सुबह मेला फेवील वो कह रहा लगा एल्फी से लटका लो मेला भाई एल्फी से मेला एल्फी थोड़ी चिपक रही है नाक के ऊपर मेला भाई छेद करवाना पड़ेगा भाई इसलिए कह रहा होगा ना क्योंकि आप पेंट लगाते हो सोचते हैं एल्फी का आम बात है हाँ वो बिल्कुल है लेकिन मैं ये वो

जैसे मेरे को कोई मैसेज करता है कि क्या कहते हैं भाई कि पुनीत भाई मेरे को आपकी ना मर्च खरीदनी है आजकल टी शर्ट को मर्च भी बोलते हैं लड़के आपने देखा होगा आप मर्च खरीदनी है या जो भी टी शर्ट लेनी है ऑर्डर बता दो तो मैं उसको बर्थडे का स्क्रीन भेज रहा हूँ कि भाई इतने वैसे है बर्थडे विश करने के तो एक बंदा था मेरे को वो बार बार मुझे मैसेज कर जा रहा है कि मुझे आपकी मर्च खरीदनी है तो मैंने उसको बोला भाई तो मैं बार बार ना उसे मैंने ना स्क्रीन बना रखा है एक लोगो बना रखा है भेज दो डरेक्ट उसमें सब कुछ लिखा हुआ है गूगल पे नंबर उसमें डिटेल लिखी हुई है कि इतने पैसे लगते हैं बर्थडे तो चार पांच बार ही हो गया एक ही बंद वैसे तो जो लास्ट में जो गुस्सा है तो उसने मुझे लिखा है भाई चूती है मैं तेरे से बड़े <laughs> वो मैं तेरे से टी शर्ट के बारे में बोल पूछ रहा हूं मैं तेरे से वो नहीं पूछ रहा क्या कहते हैं बर्थडे विश कराने के बारे में तो मैंने उसको देखा मैंने ये कौन है ये बंदा वो बंदा था पचास पचपन साल का हाँ। काफी एजेड था वो बंदा मैंने उनको मैसेज मैं लगा भाई मैं जी क्या हो गया कैसे बात करूँ मुझे क्या यार भाई मुझे अपनी बेटी का बर्थडे विश कराना है नहीं हाँ नहीं नहीं वो मेरे कहने लगा मुझे अपनी बेटी के लिए टी शर्ट लेनी है मेरी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है तुम बार बार मुझे बर्थडे बर्थडे का भेजे जा रहे हो बर्थडे बर्थडे का तो मेरे को ना आदत पड़ मेरे को ना क्या है, आदत पड़ गई है मैं सीधा डीएम मैं देखता नहीं हूँ उसने क्या लिखा है आ, क्या नहीं लिखा मैं सीधा अपनी गैलरी में जाता हूँ व्हाट्सअप का जो बेटी है ना सीधा उठ ना भेजता जाता हूँ सो 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 डीएम करते जा मैं तो मुझे तो पता ही नहीं कि उसने लिखा गया है तो एक बार ऐसी है लड़के ने लिखा था कि प्रणित भाई मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई है ये लिखा उसने मुझे मैंने उठा के उसको सीधा बर्थडे का जो उसका मेरे पर डीएम आ गया यार पुनीत भाई मैं देख तो लो पहले क्या बोल रहा हूँ तो मैं ला अच्छा अच्छा फिर मैंने जब देखा ना उसको तो मैं आप भाई क्या चाहिए कह रहा पुनीत भाई मुझे थोड़ी तुम्हारी हेल्प की जरूरत है अच्छा तो मैंने फिर ये चीज मैं यहाँ नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि उसकी मम्मी आती मैंने फिर जो भी था उसका मैंने करा फिर ये हो जाता है पर इतने सारे मैसेज आते क्या करे आदमी मैं तो तुम्हारी साइड उसके अंदर क्या करे इतने सारे मैसेज आते दिमाग थोड़ी चलता नहीं अभी भी अभी भी आप मैं एक बार वैसे ही हल्का बुल्का दिखाना चाहूंगा अभी भी मेरे ख्याल से ना ज्यादा नहीं तीन सौ अभी मैंने सवेरे उसको क्लियर करे थे

हाँ मैं फिर भी चेक कर लू लेकिन ना खत्म ही नहीं होते हैं बल्कि मैं तो तीन चार बार वीडियो भी डाल चुका हूँ कि भाई मेरे को डीएम कोई ना करे अगर किसी को भी कोई काम है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है बायो में वहाँ पे क्योंकि व्हाट्सएप में मुझे आसानी रहती है क्योंकि व्हाट्सएप में धड़ाधड़ धड़ाधड़ होता जाता है ना इसमें पहले मैं खोलूँ फिर मैं उसका देखूँ कई बार नेट चलता ही नहीं चलता व्हाट्सअप तो चाहे तीन फोन है अब हाँ भाई तीन फोन है ये वाला मेरा अभी लिया है मैंने ये आई और ये वाला मेरा एम का इस पर व्हाट्सअप बात होती है और ये वाला भी मैंने अभी लिया है ये भी मैंने साथ में लिया है दोनों एम आई का चलो भाई ठीक है तीन तीन फोन क्या बात है दो फोन तो मेरे पास भी हो गए एक व्हाट्सएप का एक नॉर्मल फोन क्या करता तो कोठी बंगला वाले आप नहीं नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाते हैं मैसेज मैसेज की एक दिक्कत है एक्चुअली अगर जितने भी लोग कॉन्टेंट बनाते हैं ऑनलाइन उनको बहुत मैसेज आते हैं तो वो क्या करें उनको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है बिल्कुल भाई पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए प्रिंट कॉमेंट पे क्लिक करें